नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात सांसदों के डिजिटल पेमेंट ज्ञान की रियलिटी चेक की। सरकार कैशलेस सिस्टम की बात कर रही है, इसे पटरी पर लाने के लिए बाकायदा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जनता को कैशलेस ट्यूशन दी जा रही है। ऐसे में हमने जाना जनप्रतिनिधियों का कैशलेस ज्ञान, आप भी देखिए। देश में प्रधानमंत्री मोबाइल को बैंक बना लेने और कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हो, वहां पर हमारे सांसद डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते हैं, ये भी सबको पता लगना चाहिए। पहले सुनिए पीएम ने कुछ दिन पहले क्या कहा था। पीएम की तो सोच ये है, अब सांसद और मंत्री क्या सोचते हैं, डिजिटल पेमेंट का कितना इस्तेमाल करते हैं। सांसदों के डिजिटल पेमेंट वाले ज्ञान का हमने रियलिटी चेक किया। मोबाइल में है, पेटीएम है, सब है, मोबाइल वॉलेट सब है मेरे पास। क्या आप कैश पे अभी चल रहे हैं? नहीं नहीं, कैश नहीं कर रहे, पहले से ही कर रहे हैं हम तो। किसी ने सवालों का जवाब देना सही नहीं समझा तो कोई ये कहने लगा, वो तो कंप्यूटर के पहले ही पीढ़ी के हैं। No idea, I am a pre-computer generation. So, how are you surviving? किस तरह से survive कर रहे हैं? मतलब कर रहे हैं survive. किसी ने कहा कि मोबाइल से उनको डर लगता है क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है। I have a radiation problem and doctors have advised instead of getting cancer, you don't use a mobile and I have not used mobile for the last 10 years. किसी ने उल्टे हम ही से ये डिजिटल पेमेंट क्या होता है पूछ लिया। मोबाइल में पेटीएम या मोबाइल वॉलेट या कुछ है डिजिटल पेमेंट? हम जानते ही नहीं। क्या मतलब होता है डिजिटल पेमेंट का? I don't know. सबसे दिलचस्प जवाब अमर सिंह ने दिया कि सीखने का समय ही नहीं मिलता। अब हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम क्यों झूठ बोलें कि मैं इंटरनेट चलाना नहीं आता, यूट्यूब चलाना सीख गया हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता तो यूट्यूब चला के देखता हूँ कि मोदी जी नोटबंदी पर नया वक्तव्य क्या दिए। वैसे कई केंद्रीय मंत्री डिजिटल पेमेंट के बारे में पूरी तरह से ज्ञानी दिखे, शायद ये उनके बॉस यानी पीएम मोदी का असर हो। मेरे घर में रहने वाले सारे स्टाफ, मेरे मंत्रालय के सारे स्टाफ और जो विभिन्न उपक्रम हैं हमारे, उसमें कैशलेस लेन देन शुरू हो गया। माय ऑफिस, माय ऑल दिस एम्प्लॉय, दे आर यूजिंग द डिजिटल पेमेंट। इट मे बी ई वॉलेट, इट मे बी पेटीएम एंड इट मे बी इवन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। मेरे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है, नंबर एक बात है, पेटीएम है जैसे मैंने बताया आपको। मैं तो रुपए कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ लंबे समय से, तो देखिए ये रुपए कार्ड मेरे पास है और इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमें कई सांसद ऐसे भी मिले जो कैशलेस पेमेंट की जरूरत को समझते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। वो मेरे लिए उपयोग नहीं है, परंतु जो लोग देश भर में घूमते हैं, ट्रैवल सेल्समैन हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए ये फायदेमंद होगा। कुछ सांसदों ने डिजिटल पेमेंट के बारे में कहा कि वो अभी सीख रहे हैं, कुछ बुजुर्ग नेता इसके बारे में जानते तक नहीं हैं। क्या आप UPI, USSD, ये जो पांच तरीके हैं, ई वॉलेट, इनमें से कुछ आप रखे हुए हैं या कुछ जानते हैं? अभी रखे नहीं, लेकिन रखेंगे। जो नए तरीकों का इस्तेमाल है उसको अभी आप? अभी इस्तेमाल नहीं किए, करेंगे, सीख रहे हैं। देखिए, हमें ये जानकारी पूरी है, हम सदन के सदस्य हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अब तक इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इस्तेमाल नहीं किया है। सरकार कैशलेस, पेपरलेस, डिजिटल लेन देन पर फोकस कर रही है। डिजिटल पेमेंट और डिजी धन की बातें हो रही हैं, डिजी शालाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जनता के साथ साथ जन प्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा ज्ञान सरकार को देना चाहिए, क्योंकि नेतागिरी से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि डिजिटल जमाने से दुश्मनी रखी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तरीके डिजिटल पेमेंट के बताए हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो पहले से ही चल रहा था, इसके अलावा UPI, USSD और ई वॉलेट, साथ ही आधार कार्ड के जरिए जो पेमेंट करने का सिस्टम बताया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, लेकिन माननीय सांसद इसको इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, कुछ लोग तो इससे डर भी रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
और अब नोट से जुड़ी एक और खबर। मोदी सरकार अब प्लास्टिक के नोट छापेगी, इस बात का ऐलान वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। मेघवाल ने कहा कि संसद में भी बताया कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोट छापने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जरूरी कच्चे माल की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। रिजर्व बैंक ने प्लास्टिक करेंसी नोट के ट्रायल लॉन्च की योजना भी बना ली है। शुरुआत में 10 रुपए वाले 1 अरब प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। नोटों को ट्रायल के तौर पर कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में चलाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में प्लास्टिक करेंसी नोट चलाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि प्लास्टिक नोटों की नकल करना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक नोटों की औसत उम्र 5 साल होती है, जो कागज के नोटों से दुगनी होती है। वैसे आपको बता दें कि भारत में भले ही अभी प्लास्टिक नोट चलाने की योजना बनाई जा रही हो, लेकिन 1996 में ऑस्ट्रेलिया प्लास्टिक करेंसी नोट चलाने वाला पहला देश बना था। साल 1996 में ही ब्रुनेई ने 1, 5 और 10 के नोट जारी किए। 2007 में ब्रुनेई पूरी तरह से प्लास्टिक नोट वाला देश बन गया। पापुआ न्यूगिनी में भी 2008 से पूरी तरह प्लास्टिक नोट ही चलन में है। रोमानिया पहला यूरोपियन देश है जहां 2001 में पूरी तरह प्लास्टिक के नोट चलने लगे। न्यूजीलैंड में पहली बार 1999 में प्लास्टिक नोट छपे। अब न्यूजीलैंड में सिर्फ प्लास्टिक नोट ही छपते हैं। वियतनाम में पहली बार 2003 में प्लास्टिक नोट छापे और 2006 में वियतनाम पूरी तरह से प्लास्टिक नोट वाला देश बन गया। और अब बात बैंक की छुट्टी से बढ़ती आफत की। आज, कल और परसों अगले 3 दिन तक नकदी को लेकर मारामारी और बढ़ने वाली है। 3 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 3 दिनों में आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़ी तो समझ लीजिए आप मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। क्राइसिस की सिचुएशन है और पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। मुझे पता है एटीएम कल के बाद से एटीएम भी काम करना बंद कर देगी। मतलब तराई तराई का माहौल है। परसों जब तक गए जब तक खत्म हो गया है। ये कहाँ की तरीका है इनका। हम लोग 7 बजे से चिकनगुनिया हो रखा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा, कैसे करें। बैंक बंद, एटीएम पर डबल आफत। कैश के लिए मुश्किल भरे 3 दिन। बैंक छुट्टी में कैश की मारामारी। यह हाल शुक्रवार देर रात का है। राजधानी दिल्ली में ठंड की ठिठुरन में भी लोग कैश के लिए एटीएम के बाहर खड़े हैं। नोटबंदी के महीने भर बाद भी एटीएम की लाइन ज्यों की त्यों है। अब तो लाइन में लगते लगते लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक एटीएम, स्टेट बैंक के एटीएम के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ठंड होने के बावजूद, कोहरा होने के बावजूद यहां एटीएम के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो एटीएम से पैसा निकालेंगे। लेकिन एक बुरी खबर इन लोगों के लिए है क्योंकि अगले 3 दिन यानी शनिवार, इतवार और सोमवार को 3 दिन जो बैंक हैं वो बंद रहेंगे और अब जो खर्चे के लिए सारा दारोमदार अब एटीएम्स के ऊपर होगा। एटीएम से लोग पैसा निकाल सकते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए क्योंकि अगले 3 दिन जो बैंक हैं वो बंद रहेंगे। शनिवार रविवार के साथ साथ इस बार सोमवार को भी मिलाद उन नबी की छुट्टी है। लगातार 3 दिन बैंक के शटर डाउन रहेंगे। ऐसे में कैश के लिए सिर्फ और सिर्फ एटीएम का ही सहारा है। अब सोचिए छुट्टियों में जब लोग एटीएम का रुख करेंगे तो क्या होगा। अब एक और संकट लोगों के सामने है कि अगले 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे और जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है क्योंकि लाइन जो है वो इस वक्त भी लगी हुई है। सिर्फ 2,000 और 2,500 के लिए एटीएम का चक्कर काट कर लोग थक चुके हैं। अब भी ज्यादातर एटीएम में या तो कैश होता नहीं या फिर खराब का बोर्ड लगा होता है। दिल्ली में रोशनी ठोकने पंकज जैन, चिराग गोठी, पुनीत शर्मा के साथ अहमद अजीम, आज तक। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह 10:30 के शो में हम बात करेंगे नोटबंदी के बाद आए नए नोटों वाले काले धन की। जी हां, नोटबंदी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की थी। मकसद साफ था, पुराने नोटों वाला काला धन खत्म होगा और नए नोटों के आने से मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पड़ेगी। लेकिन नोटबंदी के शुरुआती दिनों में ही नए नोटों वाले काले धन की बरामदगी होने लगी है और आम लोगों के लिए कैश की किल्लत जस की तस बनी हुई है। कहीं चंद रुपयों के लिए सड़क पर धक्के खा रही भीड़, कहीं कार में बिना कतार के मिले 85 लाख के नए नोट, कहीं घंटों इंतजार के बाद हासिल हुए आंसू, कहीं घर पहुंचाई जा रही थी 76 लाख की नई करेंसी। एक देश एक फैसला, लेकिन असर कितना अलग अलग। घर दुकान का खर्च निकालने के लिए कहीं लोग बैंक के बाहर धक्के खा रहे हैं और किसी को बैंक से लाखों की नई करेंसी मिल रही है। अब ये सवाल बेहद अहम हो चला है कि काले धन को खत्म करने के लिए आई नोटबंदी के 50 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि नई करेंसी वाले काले धन की पैदावार लहलहाने लगी। कैसे हो रही है नई करेंसी वाले काले धन की बंपर पैदावार? कौन दे रहा है काले धन की नई फसल को खाद पानी? जब एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट तय है, बैंक से कैश निकालने की लिमिट तय है, शादी के लिए पैसे निकालने की लिमिट तय है, तो फिर ये अनलिमिटेड नई करेंसी किसी के घर किसी की कार में बिना कतार लगे कैसे आ जाती है? सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए ये फैसला मैंने लिया। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। बैंक और एटीएम के बाहर घंटों कतार में खड़े रहने वालों ने जान गवाई, समय गवाया, इसी उम्मीद में कि काले धन वालों की बैंड बच जाएगी। पुराने नोट गंगा में बहते नजर आए, नालियों में मिले, तो लगा कि काले धन वालों की शामत आ गई है। लाखों की पुरानी करेंसी के जब्त होने की खबरें भी आती रही, लेकिन नई करेंसी का लाखों में पकड़े जाना अलग बात है। एक तरफ एटीएम में नो कैश का नोटिस दिखना आम हो गया है और दूसरी तरफ नए नोटों के बंडल मिलने लगे। एटीएम से कहीं भी कभी भी पैसे निकाल लेने का भरोसा आप नहीं कर सकते। बैंक में लाइन में लगने के बाद पैसे मिल ही जाएंगे, ये पूरी तरह किस्मत कनेक्शन का मामला है। इनोवा और होंडा सिटी में नई करेंसी की करारी खेप लाइन में लगे लोगों का हौसला कमजोर नहीं कर देगी। लोगों ने 50 दिन मुश्किल सहने का मन बना लिया है, लेकिन 50 दिन पूरे होने से पहले काले धन का रंग बदलकर गुलाबी हो जाए तो सवाल लाजमी है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम में सेंध आखिर कैसे लग रही है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को जमा करना, नए नोटों की निकासी का पूरा जिम्मा बैंकों पर आ गया है, लेकिन हाल के दिनों में बैंकों से हो रही गड़बड़ी के कई मामले सामने आए हैं। कल दिल्ली में ही इनकम टैक्स ने काले धन वालों पर नहीं बैंक पर छापा मारा है। जी हाँ, क्योंकि काले धन की हेराफेरी यहीं से हो रही थी। सवाल ये है कि लोगों के पास मिल रहे नए नोट के लाखों के बंडल कहाँ से पहुंचे? दिल्ली में एक्सिस बैंक के चांदनी चौक ब्रांच में इनकम टैक्स की टीम का छापा और छापेमारी के दौरान सामने आई कई चौंकाने वाली सच्चाई। बैंक बन गए काले धन के एजेंट।
फर्जी खातों में जमा किए गए 70 करोड़ रुपए। 8 नवंबर के बाद अलग अलग खातों में आए 450 करोड़ रुपए। यानी बैंक के बाहर लोग दिन दिन भर कतार में खड़े रहे और अंदर काले धन के कुबेरों की मेहमान नवाजी होती रही। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में ये एक्सिस बैंक की ब्रांच है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह छापा डाला था और काफी देर तक छापे की कार्रवाई चलती रही। और इस छापे की कार्रवाई में पता चला कि यहां पर जो कई फर्जी अकाउंट खोले गए उनमें करीब 450 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद जमा किए गए। इससे पहले 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया था, जो सोने की ईंट और कमीशन लेकर काले धन का स्वच्छता अभियान चला रहे थे। पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद बैंक वालों की भूमिका सबसे अहम बताई थी। उनके काम और निष्ठा की तुलना सरहद पर तैनात सैनिकों से की थी। तब किसे पता था कि अर्थव्यवस्था की सरहद पर तैनात प्रहरियों में से कुछ अपने ही वतन से गद्दारी कर बैठेंगे। बैंक की मदद से गड़बड़ी की शिकायत मुंबई से भी मिली है। मुंबई में लोगों का आरोप है कि दादर का एक कोऑपरेटिव बैंक गरीबों के अकाउंट का इस्तेमाल काले धन का रंग बदलने के लिए कर रहा है। लोगों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड का लालच देकर खाते खोले गए, पासबुक भी दी गई और चेकबुक पर साइन भी करवा ली। खाता धारकों का हासिल बस यही है कि नए खातों से पैसा जमा होने और निकलने के मोबाइल पर मैसेज आते रहते हैं। उन लोगों ने किसी और से काम करवा रहे थे ना, मैं आपको बता ना, मैं रिक्शा चला रहा था तो जो पैसेंजर बैठे थे वो मेरे जान पहचान के थे, ज़्यादा क्लोज नहीं, बाकी मैं उनको जानता हूँ। तो उनके साथ वो वक्त में चले गया रिक्शा खड़ी करके, उधर जाके जानकारी किया, देखा उन लोगों ने अकाउंट भी खुलाए, मैंने भी मेरा डॉक्यूमेंट दिया उधर पे और खुलाया अकाउंट। तो उसके बाद ही अकाउंट की जब लोचा चालू हो गया। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनके अकाउंट्स कोई और दूसरे बैंक में नहीं है, कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और काफ़ी इसमें बच्चे हैं जिनको तो पढ़े लिखे भी नहीं, जो रिक्शा चालक के और कुछ हैंडीकैप से इनको इस तरीके के लोगों को ले जाके अकाउंट एक ही दिन में 15 अकाउंट खुलवा दिया। और 4 दिन के बाद उनके अकाउंट में कभी 60,000 आ रहे, 20,000 जा रहे, 16,000 जा रहे, फिर 50,000 आ रहे। इस बैंक में, इस बैंक की जो ब्रांच है श्यामराव विठल राव बैंक में के कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। बैंक का योगदान संगरूर में भी सामने आया, जहां जनधन अकाउंट के गरीब खाता धारक पासबुक में हजारों की एंट्री छपी देख रहे थे और हाथ कुछ भी नहीं लगा। लोगों का कहना था कि मोदी स्कीम के तहत खाते में पैसा आने की बात कहकर उनसे किसी फॉर्म पर अंगूठा लगवा लिया गया था। जनधन अकाउंट वाले ये मजदूर बैंक में पैसा ना तो जमा कराने आए थे और ना ही निकालने। बैंक की सूझबूझ से दोनों काम उनके आए बिना ही संपन्न हो गया, लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बैंक में काम बढ़ गया है, बैंक की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बैंक के हजारों कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हैं। लेकिन सच ये भी है, आरबीआई और सरकार के इस दावे के बावजूद कि करेंसी की कमी नहीं है, एटीएम मशीन तक जरूरत के मुताबिक कैश नहीं पहुंच पा रहा, तो जिम्मेदारी किसकी है? मुंबई से एजाज खान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत ऐसी है कि 2000 रुपए के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कई शहरों में लाखों रुपए के नए नोट कहीं कार में कहीं घर में मिल रहे हैं। लोगों के लिए बैंक और एटीएम से पैसे निकालने पर लिमिट तय किया गया है, लेकिन चुनिंदा लोगों के पास गुलाबी नोटों के इतने नोट है कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ती है। हैदराबाद में नो कैश पर बैंक में हंगामा, नेल्लोर में बैंक के बाहर बेकाबू हुई भीड़, मुरादाबाद में बैंक बंद होने पर बवाल। बैंक की लाइन में खड़ी लाइन नो कैश का बोर्ड देखते ही भीड़ में बदल जाती है। ऐसी तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं, लेकिन उसी बैंक से नए नोटों की खेप लग्जरी गाड़ियों तक कैसे पहुंच जाती है ये भी देखिए। मुंबई में मिली 72 लाख की नई करेंसी, इनोवा कार में जब्त 85 लाख रुपयों में से 72 लाख की नई करेंसी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चौंका दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच को आज एक टिप मिला था कि 4 लोग जो है वो एक गाड़ी में कई लाख रुपए अवैध तरीके से मुंबई के बाहर लेके जा रहे हैं। और इसी टिप के ऊपर काम करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं कि इनोवा गाड़ी है,
उसको दादर के हिंदू कॉलोनी में जो है वो रोका गया। इसमें चार लोग जो थे उनको भी इस मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो है वो डिटेन किया है। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो इस गाड़ी में से जो है वो तकरीबन 85 लाख रुपए जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले हैं। ये गाड़ी नोटबंदी के बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस का काम सबसे ज्यादा बढ़ गया है। यही पुराने नोट जमा हो रहे हैं और यही नए नोट मिल भी रहे हैं, लेकिन बैंकों की तरफ पोस्ट ऑफिस में भी काले धन का हेरफेर जारी है। इंदौर में एक पोस्टमैन के पास 8 लाख की नई करेंसी जब्त हुई। इंदौर के थाने में टेबल पर रखी गई नई करेंसी और पुराने नोट की रकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नोटबंदी के बाद एक साथ 8 लाख की नई करेंसी छोटी घटना भी नहीं हो सकती। पुलिस की धरपकड़ में नोटों का जखीरा जब्त हुआ, लेकिन उससे भी हैरान करने वाली हकीकत ये सामने आई कि आरोपियों में से एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन के पास 8 लाख की नई करेंसी, वो भी बिना किसी हिसाब किताब वाली, यानी बैंक ही नहीं कुछ पोस्ट ऑफिसों की भूमिका भी नोटबंदी के बाद काले धन वालों के लिए मददगार की रही। पोस्टमैन दिनेश गुर्जर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पैसे दोस्त के हैं, जिसमें नए पुराने नोट शामिल थे। काम करना है, बैग में पैसे रख लो और बोले वहाँ पे दे देना, बोले कि मेरे ये नए नोट थे, पुराने नए नोट थे, कितने थे कि यहाँ पे जो पता है तो 100 के भी थे, 2000 के भी थे। पोस्टमैन ने माना है कि रुपए शराब कारोबारी के हैं, लेकिन इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि नई करेंसी कहां से मिली। इसमें 60,000 पुराने नोट हैं जी, बाकी नए नोट मतलब 8 लाख हैं, 2000 के नोट जी और 3.5 लाख 1,000 जी, मतलब 100-100 पैसा एक्सचेंज, मतलब पुराने नोट लेने आए थे, नए नोट देने इन ये क्या कमीशन पर आए थे, इन्हें किसी दूसरे दो व्यक्ति हैं कसरावत के, उन्होंने भेजा था। नोटबंदी के बाद नोटों की बदली से लेकर पुराने नोट जमा करने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। जहां पुराने नोट जमा किए गए और पुराने नोट बदले भी गए, लेकिन किसी भी हालत में किसी पोस्टमैन के पास 8 लाख की नई करेंसी और 4 लाख की पुरानी करेंसी होने की कोई कानूनी वजह समझ से परे है। राहुल करैया, इंदौर आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।